बुलेटिन में बात होगी। रुपए बरामदगी ने तीन चुनावों का तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 35 करोड़ रुपए बरामद। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज और बिल करेंगे माफ। चिराग पासवान ने कहा, चुनाव में नीतीश कुमार जीते तो हार जाएगा बिहार, हमें 20 दिन दीजिए, नजर आएगा बदलाव। लालू की बहू ऐश्वर्या राय ने चुनाव सभा में छुए नीतीश कुमार के पैर। आखिर में दक्षिण कोरिया में फ्लू की वैक्सीन का बुरा असर, 5 लोगों की मौत के बाद लगी रोक। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजनाथ सिंह बोले, अब नहीं होती है बंदर बाट, गरीबों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। योगी का राजद पर हमला, कहा गरीबों का राशन तो खाया ही, जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। आरा के गांवों में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के काफिले को काला झंडा दिखाकर कार के शीशे पर मारा हाथ। समर्थन के लिए वोट मांगने निकले मांझी तो साथ ही विरोधी घेर कर लगाने लगे नारा, वोट नहीं वोट नहीं। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव, अब तक 35.27 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। यह राज्य में पिछले 3 चुनावों से अधिक नकदी बरामद हो चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि अब तक 35.27 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 2015 में 23.81 करोड़ रुपए, लोकसभा चुनाव 2019 में 16.68 करोड़ रुपए और लोकसभा चुनाव 2014 में 8.71 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को जगह दी है। लोजपा ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव में जीत जाते हैं तो बिहार हार जाएगा, नीतीश हम जैसे युवाओं की टांग खींचते हैं। चिराग ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि हमें मौका दीजिए, 20 दिन में बदलाव लाकर दिखवाएंगे। वहीं चिराग ने डॉक्यूमेंट जारी करते हुए सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां से चंद्रिका राय जदयू के उम्मीदवार हैं। मंच पर अपने पिता के साथ लालू प्रसाद की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। उन्होंने इस चुनाव सभा में नीतीश कुमार के पैर छुए। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए ऐश्वर्या राय ने कहा है कि मैं अपने पिता के लिए आप सभी लोगों से वोट मांगने आई हूं। यह परसा विधानसभा क्षेत्र की मान सम्मान का बात है। आरा के पथरवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भोजपुरिया अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा, कहा लालटेन टूट गई बा, ओकर तेल बह गई बा, अब एलईडी युग है, अब पंजा चली ना की लालटेन। वहीं बुधवार को कहलगांव में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के सहारे बिहार में जनता से वोट साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अब गरीबों का पैसा कहीं नहीं पड़ता बल्कि उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के लिए वोट मांगने भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जमुई पहुंचे। योगी ने कहा है कि आज ये जो राशन मोदी व नीतीश के कारण गरीबों को प्राप्त हो रहा है, आखिर ये राशन लालू के शासन काल में गरीबों को क्यों नहीं मिल पाता था। चारा घोटाले को याद करते हुए उन्होंने राजद पर हमला किया कि जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा गए हैं, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वे रोजगार देंगे। केंद्र ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह पर आरा में हमला हुआ है। इस दौरान वे चुनावी सभा के लिए जा रहे थे, उनकी गाड़ी के शीशे पर हाथ मारा गया है। इस दौरान उन्हें काला झंडा भी दिखाया गया है। सिंह इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा में शामिल होने जा रहे थे। अपनी समर्थन और एनडीए उम्मीदवार ज्योति मांझी के लिए जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया के सरवा गांव पहुंचे तो उन्हें अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। मांझी के साथ विरोधी और आम जनता दोनों एक हो गई, साथ साथ चलने लगी और नारा लगाने लगी, रोड नहीं तो वोट नहीं। आधा किलोमीटर दूर तक यह भीड़ उनके साथ चलती रही, फिर मांझी ही निकल गए। गोपालगंज में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नवीन कुमार को बेखौफ अपराधियों ने गोली से भून दिया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता ने चिंताजनक हालत में गोरखपुर के लिए रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पटना जिले के थावे में टोला की है, जब वकील अपने घर से गोपालगंज सिविल कोर्ट में
प्रिडिक्ट के लिए आ रहे थे। सारण के सोनपुर में बाढ़ के कटाव के कारण भारी नुकसान हुआ है। डुबरी बुजुर्ग पंचायत में शोभेपुर गांव में नदी के कटाव में आफत मचा दी है। कटाव से अब तक काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि बेउड़ी से पेश आ रही है। अब तक कई भवन झुग्गी झोपड़ियां उनके चपेट में आ चुके हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। सरकार इस ऐलान से 30,67,000 नॉन गैजेट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बोनस को सिंगल इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए विजयदशमी से पहले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेता एकनाथ खड़से ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसे मंजूर कर लिया। खड़से शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ज्वाइन करेंगे। उनके साथ बेटी रक्षा और कुछ समर्थक भी एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा ये भी है कि खड़से को उद्धव सरकार में एनसीपी कोटे से कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फॉर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओवाम के क्वालकॉम इवेंट में कहा गया है कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी टेटिसिस के साथ मिलकर हम 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की 2 दिन पहले कराची में गिरफ्तारी का मामला धूल पकड़ रहा है। सफदर को कराची के एक होटल से दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया गया था। वे यहां पत्नी मेडियम के साथ ठहरे हुए थे। उनकी गिरफ्तारी फौज और रीजेंस ने की थी। इधर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रवक्ता और सिंध के पूर्व गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि आईजीपी को फौज ने किडनैप किया। उन्हें कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR के लिए मजबूर किया गया। दक्षिण कोरिया से आई खबर ने सबको चिंता में डाल दिया है। यहां सीजनल फ्लू की वैक्सीन लगाने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। आनन फानन में सरकार ने वैक्सीन प्रोग्राम को ही स्थगित कर दिया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा है कि यह मौत पिछले 1 हफ्ते के अंदर हुई है। ऐसे में वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स।